सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू 12 मिलियन सब्सक्राइबर फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ इंडिया। वेलकम बैक हाउसिंग कंसल्टेंट एंड आज के वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग चैनल सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ जोशी ब्लॉग्स एंड सौरभ जोशी फैमिली एंड व्यूज, क्योंकि उन्होंने 12 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है एंड ये फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है इंडिया में जो कि इतने स्पीड से ग्रो कर रहा है। एंड 12 मिलियन कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम कम लगा इनको, सिर्फ 2 साल में इन्होंने 12 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है एंड इसी तरह आगे भी बहुत स्पीड से बढ़ रहे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ जोशी एंड सौरभ जोशी फैमिली कि इतने अच्छे कंटेंट आप बनाते हो, इतने अच्छे कंटेंट आप शेयर करते हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। बस इसी तरह वीडियो को बनाते रहिए एंड हमें भी सपोर्ट करें कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स भी आप जैसे बड़े होने के लिए आगे बढ़ सके। तो आप लोग को भी सपोर्ट हम भी करें और आप भी हम लोग को छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें क्योंकि हम लोग भी आप जैसे बन सके बहुत ही जल्द। एंड बहुत बहुत थैंक यू कि हमें भी अपने क्लाइंट्स पे बहुत सपोर्ट मिलता है एंड इसी तरह हम भी कभी ना कभी सौरभ जोशी ब्लॉग्स की तरह आगे फ्यूचर में डेवलप करेंगे और भी आगे बढ़ते जाएंगे। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारे कंटेंट्स में बहुत चेंजेस है, हमारा कंटेंट्स थोड़ा प्रोफेशनल वे में रहता है तो इसकी वजह से हमारे व्यूअर्स थोड़े कम रहते हैं, उनके कंटेंट्स थोड़े अलग लेवल पे हैं, गेमिंग लेवल पे है और भी अलग अलग पैटर्न्स है तो उस पर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसी वजह से उनके व्यूज़ थोड़े ज़्यादा रहते हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा है एंड उनके कंटेंट भी बहुत है, उनको बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस हमारे भी लोग मुझे प्यार करते हैं हाउसिंग चैनल को, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देखते ज़रूर है वीडियो। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, तभी हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपको भी शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा उन जैसा कि वो भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं क्योंकि उनका व्यूवर्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कमेंट्स करते हैं, उनके वीडियोज़ पर लाइक करते हैं, उनके वीडियोज़ पर एंड सब्सक्राइब करते हैं, तभी वो इतने जल्दी फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बन गया है। तो हमें भी सब्सक्राइब करें, हम भी धनबाद के सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रॉपर्टी में जा जा के घर, एक एक घर जा जा के आपके लिए अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन ढूंढ के लाते हैं, प्रॉपर्टी विजिट करवाते हैं, आपको टाइम आपका सेव करते हैं क्योंकि ऑल डिटेल्स हम आपको वीडियो टूर पे ही करा देते हैं। तो जब हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मदद हमें करिए जैसे कि आप उन सबको करते हैं, सौरभ जोशी हो, कैरी मिनाटी हो, इन सब फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हैं, उन लोग अलग पैटर्न पे हैं, उनका अलग थीम है बट हम तो वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आपको सपोर्ट के लिए बनाते हैं कि आपका टाइम सेविंग हो, आपका पैसा बचे, आपको सही चीज़ मिले। तो आपको तो और ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें व्यूज़ बढ़ाइए, हमारे शेयर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जाके वीडियो टूर कराएंगे आपका और भी अच्छे से प्रॉपर्टी लेकर के आएंगे, घर घर जा कर के आपके लिए सपोर्ट, आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आपके हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे, कोशिश हमारी यही रहती है। तो आगे भी इसी तरह मोटिवेट करते रहे कि हमारी कोशिश को और साजगार बनाए और आगे निकाल के हम लेके आए आपके लिए निखारे और अलग अलग सिटी में जाके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा कर के आपके लिए वीडियो लेकर के आए क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से हमारे पास कॉल आता है कि हमें वीडियो चाहिए, हमें सॉरी प्रॉपर्टी चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए या लैंड चाहिए या डुप्लेक्स चाहिए या फ्लैट चाहिए बट अभी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टीम उतनी बड़ी नहीं बनी है। तो बहुत जल्द वो भी हम कर सकते हैं, बस आपके सपोर्ट पे हम आगे भी और इंक्रीज करेंगे, काफ़ी अलग अलग सिटी में भी हम ये मदद कर सकते हैं क्योंकि अभी फिलहाल ये झारखंड लेवल पे ही हाउसिंग कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है, उसमें भी कुछ चुनी चुनी सिटीज़ पे ही, जैसे धनबाद है वो आपका रांची हुआ, जमशेदपुर हुआ, कुछ ही सिटीज़ पे हम इतने अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहे हैं, खास करके धनबाद पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि हम खुद यहीं रहते हैं धनबाद पे, तो मेरा ज़्यादा पर्सनल फोकस धनबाद पे ही रहता है। तो अगर आपका सपोर्ट आप बढ़े और अगर अलग अलग सिटी से भी कमेंट्स आए, हमें इंक्वायरीज आते रहती है जैसे आ रही है और बहुत ज़्यादा आए और सब्सक्राइब भी बढ़ते रहे, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा डिमांड्स पे आए उस सिटीज़ के ऊपर, तो मैं ज़रूर उसके भी हर एक प्रॉपर्टी पे काम करूँगा और वहाँ पे भी सॉल्यूशन मिलेगा जैसे कि धनबाद के लोगों को मिल रहा है एंड धनबाद के लोगों को जितना आसान ने किया है प्रॉपर्टी खरीदने में उतना ही आसान मैं अलग सोसाइटी में, अलग सिटीज़ में, अलग कंट्री में भी कोशिश करूंगा कि भविष्य में कर पाऊँ। बस इसके लिए आपको सपोर्ट करना है, जैसे कि आप सौरभ जोशी ब्लॉग को करते हो, कैरी मिनाटी को करते हो, मनोज दे ब्लॉग्स को करते हैं जो झारखंड का ही है, धनबाद का ही है, तो उनके टॉपिक्स बहुत ही डिफरेंस है, हमारा टॉपिक बहुत ही प्रोफेशनल है एंड हमारा टॉपिक जो है वो आपको मदद करने के लिए होता है कि आपको प्रॉपर्टी ढूंढने में आसान हो, आपको प्रॉपर्टी टूर ईजिली मिल जाए, आपको वीडियो से ही पता चल जाए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो, कौन सी नहीं देखनी है, कौन सी देखनी है, कौन सी आपकी बजट रेंज में आती है एंड सबसे अच्छी बात है आपको हर एक लोकेशन का रेंज आपको पता चल जाता है क्योंकि मेरे हर एक लोकेशन का वीडियो रहता है तो आप कंपेयर कर सकते हो एज
टोटल एज कितना है प्रॉपर्टी का, उसके रेट में क्या फ़र्क पड़ता है, रेंटर फ्लैट में क्या रेंट पड़ता है, तो हर एक रेंज आपको मिल जाता है। तो इतने सारे ऑप्शंस अगर हाउसिंग कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड करता है तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी सब्सक्राइब करें एंड इसी तरह आगे हमें भी बढ़ने का मौका दे कि आपके लिए हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें। एंड फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ जोशी ब्लॉग्स एंड फैमिली, सौरभ जोशी एंड फैमिली एंड पीयूष। और अभी तो मैंने जस्ट सुना है कि पीयूष ने पहला ही ब्लॉग डाला एंड मतलब पहला ही चैनल बनाया एंड 24 आवर में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। जस्ट इमेजिन कि एक दिन में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर। हम यहाँ पिछले एक साल से घिस घिस के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हर एक वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर भी इतने सब्सक्राइबर व्यूज़ नहीं मिल रहे हमें, जबकि हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, आपको ध्यान में रखते हुए आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी सब्सक्राइब करें। हमें खुशी है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं बहुत मेहनत करें, उन्होंने कड़ी मेहनत की है आगे के टाइम में, तभी आज इतने आगे बढ़ रहे, तो हमें भी इसी तरह मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो हमें भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, तो हम भी इसी तरह के इंक्रीमेंट लेते जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, व्यूअर्स बढ़ाएंगे एंड आपके लिए और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लेकर के आते रहेंगे। तो फिर से थैंक यू अब तक सपोर्ट करने के लिए एंड आगे और भी सपोर्ट करने के लिए मैं इंतज़ार करूंगा आप लोगों की तरफ से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम आपको ज़रूर फुलफिल करेंगे। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हर एक वीडियो को आपके पास लेकर के आएँ जो कि प्रॉपर्टी सेल में हो, एंड मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि वही प्रॉपर्टी आपको दिखाएं जो मुझे लगती है कि जेन्युइन हो और रेट में जेन्युइन है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो भी फालतू का क्लाइंट को मतलब कोई भी वीडियो बना के दिखाने लगूँ, कोई भी टूर करा दूँ, वैसा मैं नहीं करता। जो मुझे लगता है कि इसका प्राइस रेंज सही है उस रेट के हिसाब से तभी मैं वीडियो टूर कराऊंगा। एंड एक और चीज़ मैं बोलने वाला हूँ कि हीरापुर हो या स्टील गेट हो, सारे लोकेशन बहुत प्राइम होते हैं तो रेंज इसका ज़्यादा होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। एंड सेकेंडरी, मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे, फ्लैट लेने में भी वास्तु बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। देखिए भाई, पंडित आपको कैसे गाइड कर सकता है? पंडित तो घर नहीं बना रहा ना, फ्लैट तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंजीनियर के बेस पे बनता है और जो माडा अप्रूव करेगा जिस क्वालिटी के हिसाब से, जिस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से वैसे ही बनेगा। वहाँ तो हर एक रूम को, तो वो हर एक अलग अलग इंडिविजुअल फ्लैट को तो वास्तु के साथ सही नहीं कर सकता ना, तो पंडित पे ज़्यादा भरोसा नहीं करें। फ्लैट पे देखा जाता है एंट्रेंस कैसा है, आपका किचन कहाँ पे है, किचन से आपका बाथरूम अटैच ना हो तो ठीक रहता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान दीजिए। पूरा अगर पंडित पे भरोसा रहेगा तो आप ज़िंदगी में कभी फ्लैट नहीं खरीद पाएगा, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हाउस नहीं बना रहे हो, आप फ्लैट खरीद रहे हो किसी और का बना हुआ एंड वहाँ पे कम से कम 20 से 30 फ्लैट है, तो 20 से 30 फ्लैट को सब फ्लैट को चारों दिशा से इक्वल करके कैसे कोई वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही बना सकता है? आप खुद थोड़ा माइंड लगाइए कि 40 फ्लैट को कैसे वास्तु के हिसाब से सही बना सकता है, 40 फ्लैट को चारों तरफ से अगर बना रहा है तो। थोड़ा दिमाग लगाइए, पढ़े लिखे आप लोग भी है, थोड़ा सोचिए इस चीज़ को, पंडित पे ज़्यादा भरोसा नहीं करिए। पंडित को दिखाइए जरूर, कुछ कुछ चीज़ें जो जरूरी चीज़ है उसको ध्यान दीजिए, बस इतना इनफ होता है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट हाउस भी खरीद रहे हो ना, तब भी आपको 5 कट्ठा ज़मीन खरीदोगे ना तब जाके सारा स्ट्रक्चर सही बनेगा। तो ये सब सोचिए कि पंडित, अगर पंडित से ही भरोसा करके आपको फ्लैट खरीदना है तो फिर पंडित से ही प्रॉपर्टी ढूंढवाइए, फिर प्रॉपर्टी को बोलिएगा कि वही पंडित ही ढूंढ दे आपके लिए प्रॉपर्टी कि जो सब सब कुछ वास्तु के साथ सही हो, फिर तो उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम लोग से तो फिर होगा नहीं, क्योंकि उसको ही पता रहता है फिर और क्या क्या चीज़ उसको देखना है। तो ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ज़्यादा फोकस उस पर करिएगा तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी और आप ढूंढते रह जाओगे और कभी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि फिर वो उसी हिसाब से ही होगा। फिर वही बात होगी ना, काशी में जाते ना अस्थि विसर्जन करने, तो वहाँ पे भी पंडित पैसा लेता है आपसे कुछ कुछ नाम से, 5,000-6,000, तो वैसे भरते रह जाओगे और कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे। बस यही मैं कहने वाला हूँ, फ्लैट पे उतना नहीं देखा जाता, एंट्रेंस एग्जिट बाथरूम किचन बस इनफ है, उतना भी बहुत होता है, उतना भी कोई नहीं देखता आजकल प्रॉपर्टी में। बड़े बड़े शहर में जाओ ना, 25-25 तल्ला 40-40 तल्ला बन रहा, वहाँ पे कहाँ से लेके आएगा वो हर जगह से वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो थोड़ा दिमाग लगाइए एंड मैं जो भी बता रहा हूँ सही चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको सही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि बाद में जब रेंज इंक्रीज़ हो जाएगा फिर वही प्रॉपर्टी ढूंढने आओगे तो नहीं मिलने वाला है। और ऑन रोड पे तो बिल्कुल प्रॉपर्टी है ही नहीं, अंदर भी प्रॉपर्टी जो भी है वो बहुत हाई रेंज पे हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। सारा कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस है जो मार्केट में मैं रोज़ घूम रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ अभी मिल रही है ना रेडी टू बुक में वो ले लीजिए, क्योंकि आगे रेट बहुत हाई होगा। क्योंकि जिससे जैसे नया रूल बना है बिल्डिंग बनाने का, उसके हिसाब से लैंड रेट बढ़ गया होगा एंड लैंड रेट बढ़ने की वजह से बिल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो फिर यही प्रॉपर्टी अगर आज 2600-2700 स्क्वायर फीट मिल रहा है या 2500 मिल रहा है या 2400 में मिल रहा है या 25 लाख रुपये टोटल में मिल रहा है, तो ये 30 लाख 40 लाख में मिलेगा बाद में जाके, फिर वही चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा और
वही रोड पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड तो रोड पे खत्म होते जा रहा है, फिर अंदर मिलते जाएगा, फिर वही चीज़ बाद में अफसोस करोगे जब वहाँ से पार होगे, तो देख के पार होगे कि अरे ये मुझे मिल रहा था 23 लाख में या 40 लाख में या 30 लाख में या 32 लाख में या 33 लाख में, और अभी मैंने नहीं लिया, और बाद में फिर यही चीज़ को आप लेने जाओगे तो 40-50 लाख में मिलेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, थोड़े माइंड लगाइए, थोड़ा सही डिसीजन लीजिए, ज़्यादा भरोसा अपने आप पर करिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी, बस ये सफिशियंट है। थोड़ा ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहे। धन्यवाद, एंड अगेन सौरभ जोशी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू कंप्लीटिंग 12 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं, अब तक तो प्लस भी हो चुके हैं, एंड उनकी फैमिली को, एंड इसी तरह हमें भी सपोर्ट करें प्लीज़। सौरभ जोशी जी को भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो आपके कोई रिलेटेड नहीं होंगे, बट हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत मदद मिल जाएगा अगर आपने भी थोड़ा सपोर्ट किया हमारे चैनल्स को, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी खरीदनी है बट वो ढूंढ नहीं पा रहे, उनको गाइड नहीं मिल रहा, उनको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप जैसे लोग अगर शेयर करते हैं या थोड़ा हेल्प कर देते हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बेस्ड है, आपको व्यूअर्स बेस्ड है, तो आप भी हेल्प करोगे तो और ज़्यादा मदद उनको मिलेगी, आप ही के व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और हमें तो मिलेगी ही आपके भरोसे से। तो बस आप यही मैं कहना चाह रहा था, धन्यवाद, थैंक यू, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब मी, थैंक यू।